मैं करता हूँ, हम करते हैं, आप करते हैं। नए सिद्धांतों को सिखाने और अभ्यास करने में छात्रों की सहायता करने के लिए एक सिद्ध विधि है। देखते हैं कि यह कैसे काम करता है। एक उदाहरण के रूप में हम देखेंगे कि माँ पक्षी अपने बच्चों को उड़ान भरने के लिए कैसे सिखाता है। वह मैं, हम करो, तुम करो की विधि का पालन करती है। माँ पक्षी शिक्षक है और बच्चे पक्षी विद्यार्थी हैं। पहला कदम मैं करता हूँ। शिक्षक वह पढ़ाने वाले एक कौशल को दर्शाता है और छात्रों को इस प्रक्रिया के व्याख्या करता है। शिक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए कौशल को कुछ बार प्रदर्शित कर सकता है कि छात्रों को समझे। दूसरा कदम हम करना है। शिक्षक और छात्र नए कौशल का अभ्यास करते हैं साथ में। यह वह जगह है जहां वे सब अधिक समय बिताते हैं। वे कौशल के साथ अभ्यास करते हैं जब तक कि छात्रों को प्रक्रिया के बारे में आश्वस्त ना हो। तीसरा कदम है आप करते हैं, छात्र अपने कौशल पर अभ्यास करते। इस भाग के दौरान शिक्षक यह देखकर छात्रों को दिखाते हैं कि क्या वे कौशल को सही तरीके से सिखा पाए हैं और उन लोगों को मार्गदर्शन के लिए जो मदद की जरूरत है वो दे पाए हैं। यह पद्यार्थी और विद्यार्थी को धीरे धीरे आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करने का एक बहुत प्रभावी तरीका है, क्योंकि वे एक नए कौशल सीखते हैं और अभ्यास करते हैं। सिर्फ एक शिक्षण पद्यार्थी से ज्यादा यह एक ऐसा पैटर्न है जिससे आप नए सिरे से कुछ सिखाने के बाद भी कर सकते हैं।